बहुत जल्दी आई। तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो ना, क्या यही है दोस्ती? पता है तुम्हें, रात भर इस लॉकर में तुम्हारा इंतजार करती रही मैं। मेरे फोन के बाद तुमने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है ना, इट्स अनबिलीवेबल। मैंने श्वेता, श्वेता काम डाउन, काम डाउन। तुमको क्या लगता है मुझे एहसास नहीं है कि तुम पर क्या गुजरी होगी कल रात को? जिस तरह से तुम सारी रात नहीं सोई हो, बिल्कुल इसी तरह मैं भी जाग रही थी। तुम्हारे वो जो घर वाले हैं ना, उन्हें रत्ती भर फिक्र नहीं है तुम्हारी, वो सब चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। You just proved it to me. किसने करवाई मेरी जमानत? मैंने की है गुस्ताखी। भागवत जी, आप हैरानी हुई ना मुझे यहाँ देखकर। जैसे ही याना ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया और कोऑपरेशन मांगा, एक मिनट भी जाया किए बिना मैं यहाँ चला आया। प्रियंवदा देवी माने या ना माने, लेकिन उनके परिवार के साथ मेरा एक रिश्ता है और मैं ये मानता हूँ कि बहुमों की जगह घर में है, लॉकअप में नहीं। कोई बुरा माने तो माने, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी। अब ये दरवाजा क्या मुझे ही खोलना पड़ेगा? रिहाई मुबारक, अब तुम अपने घर जा सकते हो। नहीं याना, मुझे वापस वहां नहीं जाना। उन लोगों ने जो मेरे साथ सुलूक किया है, मुझे दोबारा उनके बीच नहीं जाना। अरे तुम अपने घर नहीं जाना चाहती? तो कोई बात नहीं, भागवत जिसका साथ देता है पूरी तरह से साथ देता है, तुम मेरे यहां आ सकती। लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कुछ दिनों के लिए, जब तक तुम्हारा मन करे। फिर तुम जहां कहोगी वहां छोड़ देंगे। रात भर हवालात में रहकर उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पुलिस किसी की रिश्तेदार नहीं होती है। मैं तो कहती हूँ पुलिस को कह के उसको थोड़ा बहुत पीटने का भी इंतजाम करा दो। मौसी, अरे सही कह रही हूँ, तभी समझ में आएगा घर और घर वालों का मतलब। मैम, श्वेता की जमानत हो गई है। क्या? किसने दी उसकी जमानत? मुझे तो अभी अभी खबर मिली है कि रात को श्वेता ने भागवत जी को फोन किया था और सुबह उन्होंने आके उसकी जमानत करा दी। What? मम्मी, मैंने कहा था ये अच्छा नहीं हुआ। बस भाभी, बस बात हो गया। ये तो हम सब अच्छी तरह जानते ही थे कि भागवत हमारे खानदान को नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। और आज श्वेता ने यह साबित कर दिया कि उसे हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। मां, आज के बाद श्वेता इस घर में लौट के नहीं आएगी। वैसे करण, श्वेता खुद इस घर में वापस नहीं आना चाहती। वो भागवत जी के घर पर रह रही। What? भागवत, don't believe this.